हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ में पूछे गए स्टैटिक जीके के सभी क्वेश्चंस। टोटल 9 शिफ्ट थी, 450 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे, 450 में से 99 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो गया। आप मान सकते हो हर एक शिफ्ट में सीपीओ के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे गए। एसएससी सीजीएल में भी अगर हम बात करें 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टैटिक जीके से पूछे जाएँ, और सीजीएल 2018 की अगर हम बात करें उसमें भी लगभग हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को कवर करना, और इस सेक्शन की अगर हम बात करें ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली होती हैं, ठीक है। कोई भी एक अच्छी बुक आप उठाओगे उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। लूसेंट बुक हो गई, या फिर कोई और बुक है आपके पास उससे भी कर सकते हो। जो टॉपिक आपको किसी बुक में ना मिले उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इस वीडियो का फ़ायदा क्या होगा आपको ये वीडियो देखने का, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लिस्ट तैयार करते हैं, हम 12 से 14 टॉपिक हमने स्टैटिक जीके के प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए, उसमें से क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको देखना पड़ेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसे अपनी बुक्स में सर्च करना, गूगल पर सर्च करना, और वहाँ से आपको कंपाइल करने पड़ेंगे। अगर हो पाया तो मैं भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी, लेकिन अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, अगर कुछ हो पाया तो मैं करूंगा जरूर। और यही है कि 99 के 99 क्वेश्चन देखो आप, और ये भी चेक करो कि आपको कितने आते हैं ऑलरेडी, कि आप सही डायरेक्शन में ऐसे स्टैटिक जीके को तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि होता क्या है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री इन सब चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम भूल ही जाते हैं करना। ऐसे ही आर्ट्स एंड कल्चर के क्वेश्चन भी हम करना भूल जाते हैं, और उनकी वेटेज बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात करें 5 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन, तो 3 भी मान लो तो इन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनसे ही 10 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जहाँ पे आप कोई भी अलग से सिलेबस नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। तो बाकी 25 में से 10 क्वेश्चन तो आपके एसएससी सीजीएल में इन टॉपिक्स से बन रहे हैं जो एक्स्ट्रा के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, 99 के 99 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा, आप देखना आप कितने कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन टू प्ले इन द एनबीए गेम, ठीक है। इंडियन ओरिजिन का पहला प्लेयर ऐसा कौन सा था जो एनबीए गेम में खेला था। 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, सिम भुल्लर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन रोवर टू विन अ गोल्ड एट द एशियन गेम्स इन द ईयर 2010, ठीक है। पहला इंडियन रोवर कौन सा था जिसे गोल्ड मेडल मिला था एशियन गेम्स में 2010 में, तो इसका आंसर है बजरंग लाल ठाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। इनमें से कौन सी सिटी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर दी गई है, और ये है अहमदाबाद, ठीक है, रिसेंटली इंक्लूड की गई थी। ज्ञानपीठ अवार्ड, वन ऑफ द इंडियाज हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड, वॉज कंसीव्ड इन द ईयर, ठीक है, किस साल से मिलना स्टार्ट हो गया था जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, सबसे बड़ा हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड में से एक है जो, ठीक है, 1961 से मिलना स्टार्ट हो गया था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स डैट एम्स टू इंश्योर डैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, ठीक है। ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में जो ये इंश्योर करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है स्पेसिमेंस का, वाइल्ड एनिमल्स के और प्लांट्स के, वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। इसका है आंसर साइट्स, CITES। एडविन ल्यूटियन एंड हर्बर्ट बेकर आर टू आर्किटेक्ट्स क्रेडिटेड टू हैव डिजाइन्ड द सिटी ऑफ, इन्होंने कौन सी सिटी डिजाइन करी थी, इन्होंने न्यू दिल्ली को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर टू एंटर टॉप 10 इन द PSA वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है सौरभ घोषाल। अब आप जो भी है ना ये फर्स्ट इन इंडिया वाली चीज़ें, तो कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। CGL में फर्स्ट इन इंडिया से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, और CPO में भी पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करके जानी, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना आपको पेपर में। एक्सपेक्टेड है कि अगली बार भी फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च किया गया, 2004 में लॉन्च किया गया। वॉट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने की मैक्सिमम एज कितनी है, 40 ईयर्स है, मिनिमम एज आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। विद विच स्पोर्ट इज दत्तू भोकनाल एसोसिएटेड, ठीक है, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं ये जुड़े हुए हैं रोइंग से।
एज पर 2011 सेंसस हिंदी हैज रिटेन्ड इट्स पोजिशन एज अ प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय अबाउट हाउ मैनी पीपल, ठीक है, बाय 0.4363 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम वन टोटल मान के चलें तो वन में से 0.4363 पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग है। द टर्म अस्करियान इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शनल एरिया ऑफ साइंस, साइंस के किस फंक्शनल एरिया से ये टर्म एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है फिजिक्स से। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ये संभाल रहा है LIC ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल फॉर एक्सीडेंटल डेथ अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर कितने रुपए का आपको एक्सीडेंटल कवर दिया जाता है, 2,00,000 रुपए का दिया जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना दिया जाता है वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एथलीट वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंस ट्रिपल जंप इवेंट आफ्टर अ गैप ऑफ 48 ईयर्स इन द एशियन गेम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है अरपिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, किस तारीख को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। स्पोर्ट्स पर्सन दुर्योधन सिंह नेगी इज रिनाउंड फॉर विच स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन दुर्योधन सिंह जो नेगी हैं वो किस स्पोर्ट के लिए जाने जाते हैं, बॉक्सिंग के लिए जाने जाते हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप इज अ टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट, हॉकी का, ठीक है, हॉकी में होता है सुल्तान ऑफ जोहरपुर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हैव बीन अवॉर्डेड द यूथ सेवा मेडल, यूथ सेवा मेडल किस फर्स्ट वुमेन को मिला है, मिंटी अग्रवाल। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, फर्स्ट वुमेन का बिल्कुल नहीं छोड़ना। विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग GST इज करेक्ट, GST काउंसिल इज अ स्टैचुरी बॉडी, नहीं स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में GST का प्रावधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू लाया गया था। GST नेटवर्क हैज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एंड कंपनीज एक्ट के अंडर डाला गया है GST नेटवर्क को। दी 100th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस GST इन दी कंट्री, नो, इट वॉज 101th अमेंडमेंट। सेंटर होल्ड्स 100% स्टेक इन GST नेटवर्क, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज, बर्थ प्लेस क्या है सुभाष चंद्र बोस का, ये है कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिफोर गोइंग टू द गैलोज हैज एक्सप्रेस्ड हिज डेयर फॉर कीपिंग हिज एसेट्स इंटैक्ट टिल इंडिया इज रीयूनाइटेड एंड थ्रोइंग दैम इन टू द इंडस आफ्टर द रीयूनिफिकेशन हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, ये थे नाथुराम गोडसे। फांसी पर चढ़ने से पहले जिसने भारत के फिर से संगठित होने तक अपनी राख को बरकरार रखने की इच्छा व्यक्त की थी और पुनर्मिलन प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक दिया गया था। ठीक है, ये थे नाथुराम गोडसे। वेयर इन इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड, ठीक है, कहाँ पे है फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट, ये है कलपक्कम में। ठीक है, कलपक्कम कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। जगन्नाथ मिश्रा वॉज द 3 चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ऑफ, जगन्नाथ मिश्रा कहाँ के 3 चुने गए मुख्यमंत्री रहे, कहाँ के, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये है जैपनीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान सरस्वती टेम्पल ऑफ सदर्न इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है, बक्सर में। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी ले सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, कई बार स्टेटिक में डाल दो, आर्ट एंड कल्चर में डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट 150+ रन इन अ टेस्ट मैच इनिंग्स एज अ कैप्टन, ठीक है, एज अ कैप्टन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके 150+ रन सबसे ज्यादा हैं टेस्ट मैच के अंदर, वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर दिस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन रिलेशन टू इट्स एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की डेंसिटी किस में सबसे ज्यादा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार ये मिजोरम में सबसे ज्यादा है। इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, ये 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन की पता होने चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए,
कब इस्टेब्लिश किए गए हेडक्वार्टर्स, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द साहित्य अकेदमी अवार्ड इन 1968? हरिवंश राय बच्चन को मिला था साहित्य अकेदमी अवार्ड 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसेबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैक्सिमम लोन कितना मिलता है? 10 लाख का मिलता है। इसके अंदर तीन तरह के होते हैं, किशोर, शिशु, तरुण, ठीक है। सबका रेंज होता है, एक होता है 50,000 तक, फिर 50,000 से 5 लाख तक, और शायद एक 5 लाख से 10 लाख तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन आपको मुद्रा योजना के थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, किस रिवर के अक्रॉस हीराकुड डैम बनाया गया? ये महानदी रिवर के अक्रॉस बनाया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन सी स्टेट है इंडिया की? ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट गोल इन अ फीफा वर्ल्ड कप मैच? ठीक है, 11 सेकंड के अंदर गोल कर दिया था, तो किसका रिकॉर्ड है ये? हकन सुकूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम वॉज बोर्न इन, कहाँ पे बोर्न हुए थे? इरोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट्स एंड देयर शीट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? उत्तराखंड नैनीताल, मध्य प्रदेश ग्वालियर, उड़ीसा संबलपुर, गुजरात गांधीनगर, ठीक है। तो हमें यही मैच करके बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। जैसे उत्तराखंड स्टेट है, उसका हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो आपका पड़ता है नैनीताल के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई विच इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म बतानी है आपको, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि क्या है ये। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में टी की फुल फॉर्म क्या होती है? टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। पूरी एक्सपेंड करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या होती है इसकी फुल फॉर्म नीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इट्स सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962? इस क्वेश्चन का आंसर है हकीकत। व्हाट वाज द पार्टी एफिलिएशन ऑफ ईएमएस नंबू द्रिपद? इस क्वेश्चन का आंसर है सीपीआई। हु यूज द सिडोनिम भानु सिंघा? ठीक है, भानु सिंघा सिडोनिम किसने यूज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी कन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल? ठीक है, पहले आर्मी ऑफिसर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के जिन्हें रैंक दी गई थी फील्ड मार्शल की? वो थे सैम मेनेकशो। ठीक है, फर्स्ट से फिर क्वेश्चन आया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कारदंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड? कारदंग मोनेस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन परमिसेबल अंडर द अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कम से कम मंथली पेंशन कितनी है? ये है 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस 2011? ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोगों को पता है 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे स्टेट आता है पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो आता है महाराष्ट्र। थर्ड प्लेस पे कौन सा स्टेट आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड? IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइप के, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रेमिटेड थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? RTGS के थ्रू मिनिमम अमाउंट कितना सेटल किया जा सकता है? डेट इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए ही हम RTGS यूज करते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? डेट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, किसका सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो रहा था? तो वो रहा था हरियाणा का, शायद 8 70 कुछ था। ठीक है, 870 से 890 के बीच में कहीं लाई कर रहा था शायद, आई एम नॉट श्योर कि क्या था। ठीक है, वो आप देख लेना। बाकी 2011 सेंसस से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, CPO में पूछे गए हैं।
बाकी आगे बढ़ते हैं। एज पर द यूएन क्राइटेरिया अ सिटी क्वालिफाइज एज अ मेगा सिटी व्हेन इट्स पॉपुलेशन इज अ मिनिमम ऑफ, ठीक है, एक सिटी को मेगा सिटी तब कहा जाएगा जब उसमें कम से कम 1 करोड़ लोग रहते होंगे, ठीक है। अगर 1 करोड़ से कम लोग रह रहे हैं तो वो मेगा सिटी नहीं है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं तो दिल्ली एक मेगा सिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पोर्ट्समैन लक्ष्य सेन इज अ डैश प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर। लक्ष्य सेन क्या है, एक बैडमिंटन प्लेयर है। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज डायनासोर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ये है पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल सराय रेलवे स्टेशन हैज बिन रिनेम्ड आफ्टर दीन दयाल उपाध्याय, ठीक है। पहले जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज कर दिया गया है, दीन दयाल उपाध्याय के ऊपर उसका नाम रखा गया है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, सेबी की अगर हम बात करें वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है आपका मुंबई के अंदर, ठीक है। सेबी बना कब था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक बिलोंग टू द स्टेट ऑफ, शहीद लक्ष्मण नायक जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, ये वो ओडिशा से बिलोंग करते थे। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस आ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज स्कोर्ड 2 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरीज, कौन से इंडियन क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने 2 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरीज स्कोर करी हैं, ये हैं वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, पता होगा आप सभी लोगों को। इन विच ईयर वॉज द कोवेटेड दादा साहिब फाल्के अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, सबसे पहले दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया था 1969 में। तो अवार्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो कब से देने स्टार्ट किए गए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, और लेटेस्ट में किसे मिला उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विद विच जिमनास्टिक्स वॉल्ट्स स्टाइल डू वी एसोसिएटेड द नेम ऑफ दीपा कर्मकार, ठीक है, कर्माकर, तो इसका आंसर है प्रोद्युनोवा। इन विच ईयर डिड द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सीख पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया, ठीक है, दलाई लामा इंडिया कब आए थे, ठीक है, पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए वो आए थे आपका 1959 में, और जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था वो हुआ था 1962 में, ठीक है। और अब क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज अ कॉपर स्मिथ बारबेट, ठीक है, वो क्या होता है, एक बर्ड होती है, अ बर्ड। 8 times वर्ल्ड चैंपियन स्क्वैश प्लेयर निकोल डेविड बिलोंग्स टू विच कंट्री, निकोल डेविड किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना है, वो उन्होंने 8 time वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वो किसके, स्क्वैश के। नेम द क्वीन एसोसिएटेड विद द महेश्वरी साड़ी, ठीक है, कौन सी क्वीन जुड़ी हुई है महेश्वरी साड़ी से, ये है अहिल्या बाई होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड PM 2.5 विच वैन फिटेड नियर द साइलेंसर पाइप इन व्हीकल्स विल कर्ब एयर पोल्यूशन, ठीक है, किसने ऐसा एक डिवाइस इन्वेंट किया है जिसे हम PM 2.5 के नाम से जानते हैं, जिसे अगर हम बाइक के साइलेंसर पाइप पे लगा दें तो वो उसका एयर पोल्यूशन को कम कर देगा, विल कर्ब एयर पोल्यूशन, ये है देवायान साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वॉज रिटर्न बाय, किसने लिखी थी ये लाइन, ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अमर सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज कंपोज बाय, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जो इंडिया का नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वॉट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, ठीक है, सेंसस का अगेन से क्वेश्चन आ गया कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था, 74% था, आप सभी लोगों को पता होगा। जिन्होंने अभी SSC CGL 2018 टीयर थ्री दिया उसमें भी एजुकेशन के ऊपर ऐसे का टॉपिक आया था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने लिटरेसी रेट के बारे में जिक्र जरूर किया होगा इंडिया का, मैं जानता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, पहले लोकसभा का पहला डिप्टी स्पीकर कौन था, ये थे एम अनंथा सयानाम अयंगर, एम अनंथा सयानाम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन, ठीक है, तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे डेज एंड थीम्स आपको याद करके जाने हैं, मैं साथ में बता देता हूँ। डेज एंड थीम्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेज एंड थीम्स जो भी आपका पेपर होगा सीजीएल का और सीएचएसएल का मार्च के अंदर, तो आप कोशिश करना यहाँ पे सितंबर से लेके फरवरी तक के जितने भी डेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और थीम्स कि उनकी प्रेजेंट में थीम क्या रही वो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। एशिया की सबसे थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? ये है इंडोनेशिया। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है आप सभी लोगों को पता है, वो क्या है? चाइना। सेकंड कौन सी है? सेकंड है इंडिया। थर्ड कौन सी है? थर्ड है इंडोनेशिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी है? इंडिया है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे है, अगर हम कंट्री वाइज बात करें, ठीक है, एरिया वाइज बात करें तो इंडिया सेवंथ नंबर पे है, और आपको एक से लेकर सात तक की सारी कंट्रीज याद होनी चाहिए। ठीक है, एरिया वाइज की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, उसके बाद किसका क्षेत्रफल है, राइट। व्हाट इज द नेशनल हाईवे नंबर ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हाईवे नंबर कौन सा है? NH-44। सी इन सी एन जी इज कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड, ओंग सैन सू की, वन ऑफ द रनाउंड पॉलिटिकल पीस एक्टिविस्ट, इज अ नेटिव ऑफ, कहाँ के रहने वाले हैं ये ओंग सैन सू की? ये म्यांमार के रहने वाले हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन द आयुष? ठीक है, एस का मतलब होता है सीधा। आयुष की पूरी एक्सपेंड करके फॉर्म आपको लिखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपने अभी देखा एक्सपेंशन के ऊपर दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले अभी नीति में टी का पूछा गया था कि टी का मतलब क्या होता है, सीएनजी में पूछा गया है कि सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड फॉर्म्स भी पूछ रहे हैं, तो ये भी आप देख के जाना, ऊपर ऊपर से मत करना। जैसे कोई भी अगर आपको इस तरह की मिलती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद क्या बनता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 1987? 1987 में किसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से पोस्ट ह्यूमस अवार्ड दिया गया था, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फिफ्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इन 1998? ठीक है, बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए किसे फिफ्थ चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बनाया गया था? ये थी सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमपुरी द ट्रेडिशनल रोड पपेट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनमैंड एरियल व्हीकल यूज्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? ठीक है, अनमैंड एरियल व्हीकल कौन सी है इनमें से जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है? डेट इज हीरोन। विच मेंबर ऑफ द विक्टोरियस क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम 1983 ऑफ इंडिया वॉज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा ड्यूरिंग 2009 to 2019? इस क्वेश्चन का आंसर है कीर्ति आजाद। फॉसबुरी फ्लॉप इज अ स्टाइल अडॉप्टेड फॉर विच एथलेटिक्स इवेंट? हाई जम्प। विद विच स्पॉट डू यू एसोसिएटेड द नेम ऑफ एनाटोली कारपोव? ठीक है, किससे एसोसिएट करते हो? इसका आंसर है चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट हैज बीन नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला? कौन सी सैटेलाइट कल्पना चावला के ऊपर रखी गई? डेट इज मैटसैट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल? तिब्बतन गवर्नमेंट का एग्जाइल के अंदर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है मैक्लोडगंज में। इन विच सिटी इज द उजियंता पैलेस सिचुएटेड? उजियंता पैलेस कहाँ पे है? अगरतला में है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंच केदार? ठीक है, पंच केदार का कौन सा पार्ट नहीं है? ये है नीलकंठ महादेव, ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कालपेश्वर, ये सारे उसके पार्ट हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द म्यूजिशियन तानसेन? का ओरिजिनल नाम क्या था? ये था रामतानु पांडे। हु डायरेक्टेड द फिल्म हुज नेम इन द इंग्लिश वर्जन इज पीटर मार्सेल? ठीक है, बीटर मोर्सल मूवी किसने डायरेक्ट करी थी? ये था बुद्धा साहेब दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट समिट ऑफ NAM? ठीक है, इसकी फर्स्ट समिट का वेन्यू कहाँ था? ये था बेलग्रेड में, और NAM की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ICS ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ठीक है, कौन थे ये? ये थे सत्येंद्र नाथ, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया था ब्रिटिश रूल के अंदर, सत्येंद्र नाथ। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, द फर्स्ट नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी वॉज अवॉर्डेड टू फिजियोलॉजी में सबसे पहला नोबल प्राइज किसे दिया गया था? ये दिया गया था एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग। ठीक है, तो डेट्स ऑल, हमने 99 के 99 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए SSC CPO में, इस और CGL में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए थे। और आपको ये देखना है कि 99 में से कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। 99 में से अगर आप 50 से नीचे स्कोर कर रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा। कम से कम 50 कह रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही आपका स्कोर होना चाहिए। तो यही है इस वीडियो में, इतना था। आपको पता चल गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक्स कौन कौन से पूछे गए, और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के लिए आपके पास जो अपनी बुक्स हैं उनसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। अगर आपके करंट अफेयर्स तैयार रहते तो शायद वो क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते थे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ऐसा भी था जो स्टैटिक का पार्ट नहीं था, लेकिन इसमें डाल दिया गया। तो यही था इस वीडियो में, बाकी आप गूगल सर्च कर लग सकते हो। आप टॉपिक की लिस्ट अपने पास रेडी रखोगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और उसे गूगल सर्च कर लो। अगर कहीं नहीं मिल रहा, कोई बुक नहीं मिल रही, तो गूगल पर सर्च करोगे तो गूगल पर आपको लिस्ट मिल ही जाएगी। ठीक है, गूगल को अपना साथी बना लो और उसे कॉपी पेन लेके नोट कर लिया करो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले। आपसे यहीं बता लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में। और बाकी पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज कर ही रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो।